हेलो एवरीवन वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे आज जो हम एनालिसिस कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को अंडरस्टैंड करने के कई रीजंस हैं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कई बार आप लोग ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि किसी और ने किया आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया या क्वालिफायर्स करते हैं तो उन्होंने जो बोल दिया आप उसको करते हैं हर के ट्रेड्स अलग हैं हर के स्टूडेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं सो so, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है बिकॉज आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं सो यू हैव टू स्टार्ट नाउ ऑल्सो तो क्यों जरूरी है आ, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को क्यों समझना चाहिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जो है आ, सिलेबस को कवर करना चाहिए उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को समझने से आपको जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको उसका आइडिया लग जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना एन नंबर और एन नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ द द्वेश्चन रेस्ड हो सकते हैं लेकिन आपके एग्जाम की क्या डिमांड है आपका एग्जाम क्या मांगता है आपसे कितना न्यूज है कितना जो है आपका स्टैटिक पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन में भी कितना कैसे थ्योरी है कितना नुमारिकल और किस तरीके की थ्योरी है और किस तरीके के नुमारिकल्स हैं वो चीज़ें आपको क्लियर होती हैं तो क्वेश्चन पेपर को क्यों समझना है मतलब इस पेपर को क्यों समझने आए आप तो आजकल का फैशन शुरू से बना आ रहा है कि हमें सजेस्टेड आंसर रट के चले जाना है और वी आर गो थ्रू ऐसा नहीं पॉसिबल है क्वेश्चन पेपर को समझने से आप एक तरीके से जेन्यून एंड प्रैक्टिकल अपने आप को अगर आपको टॉप रैंकिंग चाहिए तो तो आप क्वेश्चन पेपर को समझो ठीक है क्यों क्योंकि क्वेश्चन पेपर को समझने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपने सिलेबस से स्टार्टिक जो आपका लिंकेज है स्टैटिक पोर्शन का आपके जो सिलेबस में कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं किस चैप्टर से और आपको कितना डिटेल में उसे कवर करना है किस तरीके से कवर करना है कितना आंसर राइटिंग पे वर्क करना है वो आपको क्लियर हो जाता है तो इसके लिए मैं कई बार स्टूडेंट को ये भी रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना जब प्रिपेशन कर रहे होते हैं तो वो ए, दो या तीन चैप्टर कवर होने के बाद या एक बार सब्जेक्ट कवर होने के बाद भी क्विकली अपने आपको चेक करें कि, कि क्या आप ट्रैक पे चल रहे हैं क्या एग्जाम की जो डिमांड है आप उसी तरीके से कवर कर रहे हैं या आप ट्रैक से स्विच हो गए या कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट का को कोई बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट होता है और वो उसके बहुत ही डिटेल में चला जाता है बट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट लॉस कर जाते हो इसीलिए खुद को ट्रैक पे रखना और हमेशा याद दिलाते रहना कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है किस तरीके से अपने को जानी है सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं फिर भी किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है वो आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग होती है और स्मार्ट स्ट्रेटेजी वहीं पे कहलाई जाती है और वहीं पे आपको बाकी भीड़ से अलग कर लेती है ठीक है तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये डिसाइड कराएगा कि आपको कितना इनडेप्थ में जाना है और किस तरीके से अपनी तैयारी को कंडक्ट करना है ठीक है तो प्रीवियस ईयर पेपर 2011 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव है क्रिटिकली एग्जाम इन एमथेसिस स्टैटिक क्वेश्चन है आपका न्यूज से रिलेटेड नहीं है आप देख सकते हैं और कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है एज पर यूपीएससी तो आपको ये अटेंड करना है एट एवरी कॉस्ट ठीक है तो एमएम थीसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए थर्टी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है

ऑन अर्निंग आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट ठीक है विद सोर्स ऑफ फाइनेंस क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन डिमांड विथ सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड द कंपनी यूज फॉर रेजिंग एडिशनल कैपिटल एडवाइस द कंपनी कीपिंग इन माइंड दी एस एंड फाइनेंशियल रिस्क ठीक है तो आपको डिमारिकली इसको कैलकुलेट करके

इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स ए का बी और सी पार्ट आपको आता है अब बचता है ए पार्ट तो आप क्या करें कि बिल्कुल वरीड नहीं गो एंड पीसफुली क्या निकालना है पहले वो देखना है और गिवन डाटा क्या है जितना कैलकुलेट कर सकते हो उतना आप कैलकुलेट करेंगे और स्टेप मार्किंग ले लेंगे ठीक है वरीड नहीं होंगे ठीक है प्रैक्टिस करेंगे घर पे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन ए फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हुआ है तो आप उसको रेफर कर लेंगे ठीक है सेवन ए है ऑप्शनल है आपका ठीक है क्वेश्चन और नुमारिकल है आपका ठीक है न्यूज से रिलेटेड नहीं है ठीक है यूजिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग रेशियो कमेंट करना लिक्विडिटी करंट पीरियड ठीक है एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क ऑफ दी कंपनी ठीक है तो आपको चूज करना है कि आपको कौन से रेशियोज कैलकुलेट करना है तो अगर रेशियोज पे बहुत अच्छी कमांड होगी तभी कर पाओगे अदरवाइज यहाँ पे लैक कर जाओगे ठीक है फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है बैलेंस शीट दी है लाइबिलिटीज दी है एसेट्स दिए हैं आपको एडिशनल जो है नोट्स भी दिए हुए हैं आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से रेशियोज है यूज करने हैं और आपको तीन फैक्ट्स में इसको इंटरप्रिटेट करना है लिक्विडिटी करंट पीरियड सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क ठीक है तो अभी तक देखिए तो आ, हमने देखा रेशियोज को काफी वेटेज दिया 2011 में सेवन बी ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है हाउ यू विल हैंडल द रिस्क एन आंसर डेन इन कैपिटल बजटिंग कैसे हैंडल करोगे तो थ्योरी क्वेश्चन है चुकी है थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो अच्छे से इसको आंसर कर ले जाओगे एट ए थर्टी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फॉलोइंग कॉस्ट कॉस्ट डाटा डाटा ये प्रोवाइड की गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपसे पूछा गया है कंपनी ने प्रपोज किया है फ्यूचर के लिए प्रपोज किया है कि उसको 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड आस्क यू टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द आउटपुट कैलकुलेशन पूछा गया है वर्किंग कैपिटल का आपसे ये नुमार्कल पूछ लिया गया है अगर आप नोटिस करें तो वर्किंग कैपिटल की आपने साइकिल पढ़ी होगी एक वो साइकिल से रिलेटेड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखिए बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे देखिए कई बार कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आते हैं लाइक वंस इन अ वन यानी कई सालों में एक बार होगा और वो भी ऑप्शनल में आते हैं कंपल्सरी में नहीं आता है तो आप एक क्वेश्चन को लेके जो है अपनी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको वर्किंग कैपिटल नहीं क्लियर होता कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फंड फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं कहती हूँ सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके रखो और अगर बुरी से क्योंकि आपके पास क्या है गोल्डन क्वाइन की जो न्यूमारकल आते हैं वो आपके आते हैं ऑप्शनल्स में तो ऑप्शनल्स में आप स्किप कर सकते हो पहला अगर आप बहुत ही वर्स सुनहरियों में स्किप नहीं कर सकते हो तो उसके बी सी पार्ट को करोगे और सपोज करो ए पार्ट में आपका नमारकल है या कोई भी एक पार्ट में न्युमारिकल है तो आप उसका बेसिक तो इम्प्लीमेंट करके आओगे ना लेकिन उसकी वजह से आप बाकी प्रिपरेशन पर इम्पैक्ट करो वो बेकूफ़ी हो जाएगी इसीलिए ऑप्शनल रैंकिंग कि जो बात होती है या लोग जो इसको रैंकिंग में लिखे जाते हैं वो होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको प्ले करनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं एट बी ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है तो आपको कैसे बोल बताना है कि कैसे गॉर्डन मॉडल बाकी डिविडन मॉडल से अच्छा है और प्लस उसके लिमिटेशन यानी दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है तो हमने अगर टू थाउजेंड इलेवन का कॉन्क्लूजन ड्रॉ करें तो न्यूज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था आपका ठीक है थ्योरी प्लस नुमारिकल का प्यारा सा कॉम्बिनेशन था कंपल्सरी क्वेश्चन में केवल थ्योरी हमें देखने को मिली तो थ्योरी तो करनी ही पड़ेगी आपको थ्योरी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 2012 के पेपर की ओर कैसा आया था 2012 का पेपर उसको समझते हैं वन ई कंपल्सरी क्वेश्चन है ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइनेंशियल पैटर्न टू बी यूज्ड टू पोस्ट मर्जर परफॉर्मेंस ठीक है फाइव बी कंपल्सरी क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन था ये भी स्टैटिक पोर्शन है फाइव बी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस एंड नेटवर्किंग कैपिटल कैन अ फॉर्म सर्वाइव विथ जीरो नेटवर्किंग कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या फॉर्म सर्वाइव कर सकती है हा या ना या क्यों भी आप इंटरप्रिटेट करेंगे उस पर कॉन्क्लूजन देंगे ठीक है तो ये भी स्टैटिक पोर्शन है कंपल्सरी क्वेश्चन है फाइव बी ठीक है और थ्योरी क्वेश्चन है फाइव टी ट्वेल्व मार्क्स का डिस्कस रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो फॉर द ऑफ रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ठीक है तो ये भी आपका जो है स्टैटिक uh, पोर्शन uh, है ठीक है कई बार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट कर दिया जाता है कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट कर दिया जाता है लेकिन मैं इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करा देती हूँ बिकॉज क्योंकि ये जो है आपके रिस्क रिटर्न से है और थोड़ा नुमारकली रिलेटेड है तो बेटर है कि आप नुमार्कल को एक साइड कर लें ठीक है तो फाइव जो क्वेश्चन नंबर्स थे या हमने जितने भी देखे ये कंपल्सरी क्वेश्चन आपके कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन हैं आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं थ्योरीज पे अच्छे से कमांड करेंगे ठीक है

And financial leverage, what insight you get from the two leverages, and what are their limitations? Aapko kya pata? पढ़ता है इन लेवरेजेस से और उसके लिमिटेशंस क्या हैं तीन पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है वेटेज दे दिया जाएगा और स्टैटिक पोर्शन है न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है कई बार न्यूज में आ, जो प्रीवियस ईयर पेपर है या आपके पेपर में भी हो सकता है कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हो या कुछ उन्होंने वोकेबलरी में मिस्टेक हो आप प्लीज बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे कि बैठ के क्लेम करें यूपीएससी के ऊपर कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग जो है प्रिंट के दीज आर टेक्निकल एरर एंड दैट यू कैन बी एवॉइड और ऑफिसर की तरह काम करना है अच्छे से वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करेंगे और जो क्रिटिकल एरर्स पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ठीक ठीक है है दिस इज माय पर्सनल सजेशंस टू यू नेक्स्ट इज एट ए फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है डिमारिकल है और फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द बिजनेस बिजनेस को वैल्यू करना है अंडर रेसिडुअल ऑपरेटिंग इनकम दैथड ठीक है ये आपको जो है डिटेल दे दी गई है और आपको जो है नेट ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनकम दे दी गई है और आपको बिजनेस को वैल्यू करना है नुमारकल क्वेश्चन है ठीक है अगर हम कॉन्क्लूड करें हमारा 2012 का पेपर न्यूज से कुछ भी नहीं था सारा स्टैटिक पोर्शन था कंपलसरी क्वेश्चन में केवल थ्योरी देखने को मिली और अदरवाइज ऑप्शन में आपको बहुत ही खूबसूरत सा थ्योरी एंड नुमारकल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला क्या ये जीरोक्स था 2011 का नहीं 2011 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट टॉपिक्स से थे और ट्वेल्व के डिफरेंट टॉपिक्स से थे नेक्स्ट 2013 प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर फोर ए आपके सामने बैलेंस शीट दे दी गई है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स के साथ आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है देख लेते हैं पूछा है आपको कैलकुलेट करने के लिए सो क्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज यानी आपको इंटरप्रिटेशन भी देना है यानी फिर से इससे आपको ये आइडिया लगता है कि रेशियोज पे आपको अच्छी कमांड करनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पी कंपल्सरी क्वेश्चन है टेन मार्क्स का क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन द दिमोल्स कैश ईओक्यू मॉडल मिले और मॉडल एंड स्टोन मॉडल प्रेनिंग टू अ कैश मैनेजमेंट ऑफ दी फर्म्स यानी वर्किंग कैपिटल का जो कैश मैनेजमेंट है उसका थ्योरी का क्वेश्चन है मॉडल्स एंड थ्योरीज पे अच्छे से कमांड करेंगे ठीक है और कंपल्सरी क्वेश्चन है आप इसको स्किप नहीं कर सकते स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है फाइव डी कम्पलसरी क्वेश्चन टेन मार्क्स का क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन रेशियोज द ट्रिनर एंड ब्लैक उसके बारे में पूछा है आपसे फाइव ई कम्पल्सरी क्वेश्चन है स्किप नहीं कर सकते स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है ट्रेड ऑफ थ्योरी बहुत अच्छी है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ठीक है तो आपको ट्रेड ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन करना है कैपिटल स्ट्रक्चर की

सेवन बी ऑप्शनल क्वेश्चन है आता है तो सॉल्व करेंगे नहीं आता है तो स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन सी टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिक्योरिटी मार्केट लाइन विद अंडर ऑफ ठीक है तो CAPM के अंदर एक लिया जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है देखिए कैसे थ्योरी में एक टॉपिक के अंदर से दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन बना दिया गया है और एज अ थ्योरी आपसे पूछी गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ए थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोफेसर जे

फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है द बीटा एट ए में अगर आपने बीटा को कैलकुलेट कर लिया तो उसका इंटरप्रिटेशन एट बी में पूछा गया है ठीक है ऑप्शनल क्वेश्चन है आता है तो सॉल्व करेंगे अगर हम कॉन्क्लूड करें हमारे इस पेपर को तो कुछ भी थ्योरी का नहीं था सब स्टैटिक स्टार्टिक्वेश्चन था कंपलसरी क्वेश्चन में केवल थ्योरी देखने को मिली ऑप्शनल क्वेश्चंस में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला थ्योरी और नुमारकल दोनों का नुमारकल भी ज्यादा ट्रिकी नहीं थे एक नुमार्कल थोड़ा सा आपका आउट ऑफ टॉपिक था टॉपिक को हम आउट ऑफ नहीं कह सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस की थ्योरी को अच्छे से समझा होगा तो आप उस क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सेवन बी की बात करी मैंने ये कि अगर आपने थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी की होगी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बट फिर भी ये ऑप्शनल है तो आपको इसके लिए ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2014 क्या 2013 2011 और 12 जैसा का बिल्कुल भी नहीं बहुत ही अलग था लेकिन 2014 के टाइम में सिलेबस में चेंजेस आया था तो देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर फाइव ए टेन मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है आपको अटेंड करना है और थ्योरी क्वेश्चन है आपको ये दिखी रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड कैपिटल बजटिंग बजेटिंग टू दी पे बैक पीरियड क्रिटिकली इवेल्युएट ल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी चेक कर रहे हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है और एग्जीक्यूट करना सीखा है तो ही आप आंसर कर पाएंगे ठीक है सो न्यूज से इसका कोई रिश्ता नहीं है नेक्स्ट है compulsory question है क्वेश्चन 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 नंबर बी मार्क्स का कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चन है आपको दिख रहा है वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी थ्योरीज हो मॉडल्स हो उसपे अच्छे से कमाल करेंगे अकाउंटिंग रेशियो के

कंपल्सरी क्वेश्चन है थ्योरी का क्वेश्चन है फाइव फी टेन मार्क्स का क्वेश्चन है कंपल्सरी क्वेश्चन है थ्योरी का क्वेश्चन आपको देख सकते हैं न्यूज से इसका कोई रिश्ता नहीं है वॉट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ गोल फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर ठीक है सो आंसर राइटिंग ट्रिक क्योंकि एग्जामिनर को क्या दिखता है आपने नॉलेज ले ली और अगर आप उसको इंप्लीमेंट सपोज करो आप सबको ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छे से आता हो नुमारिकल भी चलो कर लेते हो ठीक है और आपने पे बैक पीरियड भी बहुत अच्छे से आता मार्क ले बट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है अगर आपने एग्जीक्यूट करना नहीं सीखा क्योंकि एग्जामिनर के सामने क्या है आप नहीं बैठे हो एग्जामिनर के सामने वो कॉपी है और वो कॉपी ही आप हैं और वही सब कुछ है आपने लिखा कैसे है वो उसी से आपको जज करेगा और आपको मार्क्स देगा इसीलिए नॉलेज गेन करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन अब अगर हम लॉ मेकर्स की बात करें अगर वो केवल लॉ बनाते चले जाएं और उस ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं करें तो क्या वो लॉ बनाना फायदेमंद है नहीं तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होगा लॉ बनाना भी और उसका एग्जीक्यूशन भी क्या बिना लॉ बने हुए उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं कुछ भी क्या क्या एग्जीक्यूट कर लोगे इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट की कमांड अच्छे से करें यानी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन एंड देन एग्जीक्यूशन यानी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये दोनों पॉसिबल है तभी आप अच्छे से अपने आप को स्कोर कर पाओगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बट पॉलिसी बनेगी तभी तो एग्जीक्यूट करोगे थिंक लाइक अ ऑफिसर तो बिना पॉलिसी बनाए हुए आप एग्जीक्यूट क्या करोगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा ठीक है तो हमने क्वेश्चन नंबर फाइव देखा कंपलसरी क्वेश्चन बंडल ऑफ थ्योरीज केवल थ्योरी देखने को मिली है कंपलसरी क्वेश्चन है क्रिएटिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बट स्टैटिक पोर्शन न्यूज से कोई भी रिश्ता नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स एट ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है न्यूमारिकल है हमारा और फंड फ्लो पूछा है कैलकुलेट करने के लिए और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है ठीक है बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे ठीक है एसेट्स की इन्फॉर्मेशन है और अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन है ठीक है कैसे करना है नाल कैल नुमारकल को कैलकुलेट कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है हम इसको डिटेल में अपने फ्यूचर सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन है तो देखा हमने ऑप्शनल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन भी नुमारिकल था दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है नुमारिकल है ऑप्शनल है आपसे जो है ये डिटेल दे दी गई है आपको ठीक है और आपसे कैलकुलेट पूछा गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा गया है ठीक है और थ्योरी पे कमांड होगा तभी कैलकुलेट कर पाओगे टैक्स रेट कूपन रेट और फेस वैल्यू भी आपको गिवन है लॉक टेबल कैरी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखा हमने दो ऑप्शनल क्वेश्चन अभी तक निकल थे अब तीसरा ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है थ्योरी का व्हाट इज कॉर्पोरेट विद रेफरेंस टू री मर्जर एंड एक्विजिशन डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल है ठीक है डायरेक्ट है स्टेटिक पोर्शन ऑफ द पार्ट है ठीक है न्यूज इसका कोई रिलेशन नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन एटी मार्क्स का क्वेश्चन है लाइविटीज एंड एसेट्स गिवन है आपको और आपसे पूछा गया है कंपनी का टोटल एसेट गिवन है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किवन है ये सब कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज एंड कम्बाइंड लेवरेजेस एंड ई कैलकुलेट करना है अगर ई ए या बी है तो यानी रेशियो एनालिसिस एंड लेवरेज हाँ प्रीवियस ईयर में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था बट ये सेम क्वेश्चन नहीं है तो हम टॉपिक को वैल्यू दे सकते लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे सिलेबस को जाके देखेंगे कि सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं तो फोकस करना है सिलेबस पे और जितना सिलेबस है उसे कवर करना है सेवन बी ऑप्शनल क्वेश्चन है टेन मार्क्स का क्वेश्चन है नुमारिकल है वॉल्टर डिविडन मॉडल से आपको जो है डिटरमाइन करना the, ratio, 7C, है है ऑप्टिमम पे पे आउट रेशियो और प्राइस ऑफ ऑफ द द शेयर ठीक मार्क्स ऑप्शनल क्वेश्चन है न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है नुमारिकल है हमारा एसिट्स एंड लाइबिलिटीज आपको गिवन है और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रेशियोज की मदद से आपको कैलकुलेट करना है तो अभी अगर हम कॉन्क्लूड करें तो न्यूज से कुछ भी नहीं था न्यूज का कोई रिलेशन नहीं है कंपलसरी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखने को मिली ऑप्शनल पे जो है उसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था टूमार्कल का भी और थ्योरी का भी लेकिन सो फार 2014 में जैसे सिलेबस चेंज हुआ था तो हमें ये देखने को एक नई चीज़ मिली कि अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पार्ट बी का ही पार्ट रह गया है पार्ट ए में उसके क्वेश्चन नहीं आते यानी क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट में ही एफएम के क्वेश्चंस को देखा गया है ठीक है नेक्स्ट हम जाते हैं प्रीवियस पेपर एनालिसिस 2015 2015 देखते हैं में कैसा आया है पेपर मेरी हमेशा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होती है कि मिनिमम पांच साल का आपको एनालिसिस करना है वो इम्पोर्टेंट है उसके बाद आपकी इच्छा आपका टाइम अलाउ होता है तो करेंगे अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो टू थाउजेंड फाइव ए टेन मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है

फाइव ई टेन मार्क्स का क्वेश्चन है रिटेन अर्निंग हैव नो कॉस्ट कमेंट करना है क्रिएटिविटी आपकी पूछ रहा है तो कंपलसरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन न्यूज से आपका कोई रिलेशन नहीं है तो अगर हम कॉन्क्लूड करें तो कंपलसरी क्वेश्चन में केवल थ्योरी क्वेश्चन ही हमें देखने को मिले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए एक ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है न्यूमारकल क्वेश्चन है हमें देखने को मिल रहा है ये कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइन लेवरेज कि लेवरेज पे फोकस किया जा रहा है तो मैंने बार बार बोला लेवरेज और रेशियोज तो मिनिमम आपको करना ही है लेकिन कोई भी चैप्टर या सिलेबस को मैं छोड़ने को नहीं बोलूंगी मैंने आपको जो सजेस्ट किया कि कम से कम बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे एटलीस्ट बहुत ही रेयर टू रेयर सिचुएशन में अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप कुछ तो अटेम्प्ट कर पाए तो एटलीस्ट 95% और 90 टू 95% ऑफ द सिलेबस पे 100% कमांड करेंगे बाकी जो 10 5 टू 10% है उसका बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे स्किप कुछ नहीं करेंगे ठीक है सो लेवरेजस पे क्वेश्चन आपको लेवरेज करना है कैलकुलेट और इंटरप्रिटेशन पूछना है ठीक है 6 ए ऑप्शनल था 6 बी ऑप्शनल है 15 मार्क्स का है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट रेशियोज इन फॉलोइंग सिचुएशन वेरी गुड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं अगर आपको रेशियोज की बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी उसके थ्योरी पे क्योंकि बताया एफ एम के वीकनेस क्या है कि आपने थ्योरी पे अच्छे कमांड किए तो ही आप नुमारिकल कर पाएंगे अगर थ्योरी पे आपने अच्छी कमांड नहीं है तो नुमारिकल आप थाउजेंड प्रैक्टिस भी कर लोगे लेकिन एग्जाम हॉल में फंस जाओगे ये गारंटी है इसीलिए थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और संग संग नुमारिकल भी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सेवन ए ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी आपका ऑप्शनल था और न्यूमारिकल था रिलेशन नहीं का 7A, है क्वेश्चन आपसे आप पूछ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए तो हम बोल सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है न्यूमारिकल है न्यूज इसका कोई रिलेशन नहीं है स्टैटिक पोर्शन है क्या आप तक कैश फ्लो का एक भी क्वेश्चन देखने को मिला नहीं तो कैसे आ इस एग्जाम में यूपीएससी इज अ फुल ऑफ सरप्राइजेज तो कभी भी ये मत सोचिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे वो उतना ही आएगा ठीक है मेरा बस ये मानना है अगर आपको स्ट्रैटेजी करनी है स्मार्ट क्या करना है सिलेबस 90 को 100 करेंगे, 10 को आपको अब हर बच्चे की अपने होंगे ठीक है जितना हो सकता है उतना करेंगे तो नाइनटी परसेंट पोर्सन को एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट कमांड करके जाएंगे और टेन परसेंट पे बेसिक लेवल ऑफ दी नॉलेज लेके जाएंगे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं मैं बार बार बोल रही हूँ कई बार एग्जाम में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं तो उस एक क्वेश्चन की वजह से पूरे पेपर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्विच टू द्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना कर सकते हैं सपोज करो किसी के दो ऑप्शन आप अच्छे कर रहे हो एक में आपको कमांड नहीं बट वो जो बेसिक नॉलेज लेके गए उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ठीक है सेवन बी फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग कैपिटल टूमार्क न्यूज से कोई भी रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है 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 मार्क्स का जो क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है <coughs> है थ्योरी देखने को मिल रही डिस्कस द यूटिलिटी यूज और लिमिटेशन ऑफ आई आर आर मैथड ऑफ अप्रेजिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो न्यूज इसका कोई रिलेशन नहीं है बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है एट बी ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है तो आपने देखा ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और थ्योरी हमें देखने को मिल रही है ठीक uh, -MM the है गिव एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मोदी एंड मिलर अप्रोच टू द्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर स्टैटिक पोर्शन है न्यू से कोई भी रिलेशन नहीं है नेक्स्ट है एट सी टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन है थ्योरी हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो अब आप नोटिस करें कि 2014 के बाद से हमने एक और चीज देखी है क्या कि क्वेश्चन नंबर फाइव से लेकर आपका जो है एट के बीच में एफएम के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव में और एट में अब तक हमें थ्योरी ही देखने को मिल रही है ठीक है व्हाट इज कॉर्पोरेट री स्ट्रक्चरिंग एंड स्टेट द मेजर फॉर्म इन विच इट कैन बी क्रेडिट फॉर्म ठीक है तो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है ठीक है और आपका न्यूज से उसका कोई रिलेशन नहीं है स्टैटिक पोर्शन है तो अगर हम कॉन्क्लूड करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट आपका एफ एम कैरी करता है क्वेश्चन नंबर फाइव कंपल्सरी क्वेश्चन में हमें एफ एम केवल थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिले और ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन में हमें अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला थ्योरी एंड मार्कल बट मार्कल भी बहुत ही स्टैटिक थे तो आराम से किए जा सकते थे अगर आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया और क्वेश्चन नंबर एट में भी हमें थ्योरी ही देखने को मिली है ठीक है हम बढ़ते हैं 2016 की ओर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉरी फाइव ए कंपल्सरी क्वेश्चन ठीक है थ्योरी दिख रही है हमें इतना तो पता चल रहा है एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन क्या ये अभी तक किसी ईयर में आया था नहीं तो क्यों पूछ लिया इसमें हमें तो यही प्रथा पता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लो और पेपर हो जाता है ऐसा नहीं है यू पी एस सी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट बिकॉज आप बनने जा रहे हैं ऑफिसर्स ठीक है सो एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू मनी तो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है थ्यूरी का क्वेश्चन है न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है थोड़ी सी क्रिएटिविटी मांग रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में कुछ भी बताओगे तो थोड़ा सा लेके आ जाओगे फाइव बी कंपल्सरी क्वेश्चन है थ्यूरी क्वेश्चन है देखने को मिल रहा है

फाइव सी टेन मार्क्स का कम्पल्सरी क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिकोर्शन है न्यूज से कोई रिलेशन नहीं आपको बस प्रीवियस ईयर से ये आइडिया लग गया कि एफ एम में तो न्यूज आई नहीं और ना आएगी ठीक ये आइडिया लग गया क्वेश्चन नंबर फाइव में दो हजार चौदह के बाद से कंपल्सरी क्वेश्चन में थ्योरी पेपर आएगा तो थ्योरी कर लोगे तो कंपल्सरी तो तुम्हारा तय है ठीक उसके बाद नुमारिकल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में यानी सारे ठीक ठीक है 6A, 20 का है 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 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ए मार्क्स का ऑप्शनल सॉरी को लग रहा है आपको ठीक है यूज ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट तो रेशियो का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बैलेंस शीट बनाने को बोली गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बी फिफ्टीन मार्क्स का तो हम इसको देख सकते हैं कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और नुमारिकल है न्यूज इसका कोई भी नाता नहीं है ठीक है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है बिजनेस एंड मार्केट वैल्यू एंड अर्निंग समराइज ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कैलकुलेट पोस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेथ एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या अब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऐसा क्वेश्चन आया था नहीं तो क्यों पूछ लिया Is a और सिलेबस में जो है वो पढ़ के जाएंगे कभी भी ये मत सोचा करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लिया तो वो पत्थर की लकीर है ऐसा नहीं होता ठीक है सेवन ए ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारा आ, ऑप्शनल क्वेश्चन है आता है तो अटैम्प्ट करेंगे नहीं आता तो कोई बात नहीं और रुमारकल है ये इसका न्यूज से कोई भी रिलेशन नहीं है ठीक है एक्स वाई लिमिटेड वॉन्ट टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड वन ठीक है तो डिसीजन मेकिंग है कि मशीन इंस्टॉल करना है ओल्ड की जगह न्यू वन और आपकी डिसीजन मेकिंग पूछेगा इसमें आपको लॉन्ग टेबल कैरी नहीं करनी आपको इन्फॉर्मेशन जो है एंटीसिपेटेड आफ्टर कैश वोस दे दिया गया है ठीक है मैथड क्या यूज़ करना है पे पीरियड एन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आई ठीक है सो कैपिटल बजटिंग के आपके जो ये डिसीजन मेकिंग है कैपिटल डिसीजन मेकिंग के आपको इसके थ्रू ही जो है आपको इंटरप्रेटेट करना है ठीक है सेवन बी फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शनल है लिखने में नुमारिकल है

ठीक है द शेयर कैपिटल वगैरह दिया हुआ है आपसे कैलकुलेट बोला गया है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एट टू लेवल्स को कंप्लीट करना यानी फाइनेंशियल लेवरेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन है ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला है कि रेशियो और फाइनेंशियल रिलेशन जो है लेवरेज है उसको अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि कई बार कंबाइंड क्वेश्चन रेस्ड हो रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है तो, 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 नुमारिकल क्वेश्चन है आपको देखने और एट में आ गया ठीक है तो अभी तक हमने क्या प्रथा के चली थी कि एट में थ्योरी आ रही लेकिन अब आ गया नुमारिकल तो क्या यूपीएससी प्रेडिक्टेबल है नहीं ठीक है एट भी फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन है थ्योरी है ये दिख रहा है एक्सप्लेन एम एम अप्रोच फॉर कॉर्पोरेट डिविजन पॉलिसी अब ये तो पता चल गया कि एम एम अप्रोच है इम्पोर्टेंट हो गया तो क्या यही आएगा हर बार नहीं और भी अप्रोचेस आएंगे तो इसका मतलब ये कॉन्क्लूड करेंगे कि अप्रोचेस इन पे कमांड करेंगे ठीक है 2017 का जो है पेपर अब हम डिस्कस करेंगे फाइव ए कंपलसरी क्वेश्चन है थ्योरी दिख रहा है हमें ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल ऑफ एफ क्रिटिकल क्रिटिकल तो आंसर राइटिंग आपकी इन्वॉल्व हो रही है न्यूज से कोई भी रिलेशन नहीं है फाइव बी कंपलसरी क्वेश्चन है देखिए B, B, छोड़ दें तो D, e, सब एफ एम के क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन देखने को लग रहा है डिस्कस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल डिसीजन फाइव डी कंपल्सरी है थ्योरी है न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है डिस्कस दी वेरियस माथर ऑफ डिसाइडिंग एक्सचेंज रेशियो इन मर्जर एंड मजर ऑफ कंपनीज ठीक है फाइव ई स्टेट दैल्युएशन फॉर्मुला पुट फॉरवर्ड बाई द्स वर्ल्ट है एक्सप्लेन दॉजिक बिहाइंडी है आपका ऑप्शनल है न्यूमारिकल देखने को लग रहा है ठीक है और क्या है नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन आता है तो अटेंड करेंगे नहीं आता है तो क्वेश्चन है ऑप्शनल है आता है तो अटेंड करेंगे नहीं तो यू कैन स्किप थ्योरी देखने को लग रहा है एक्सप्लेन कैपिटल राशनिंग एक्सप्लेन द फैक्टर लीडिंग टू कैपिटल राशनिंग एंड ऑल्सो स्टेट दिचुएशन तो एक ही में तीन पार्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं ठीक है सेवन ए ट्वेंटी मार्क्स ऑप्शनल है आता है तो अटेप करेंगे नुमारिकल है ठीक है और लेवरेजेस पे क्वेश्चन है प्लस अर्निंग पर शेयर यानी लेवरेज एंड रेशियो का कॉम्बिनेशन ठीक है उसके बाद सेवन बी जो है आपका ऑप्शनल है और थ्योरी देखने को मिल रही है एक्सप्लेन द टेक्निक यूज बाय द क्रेडिट मैनेजर इन मॉनिटरिंग द स्टेटस एंड कंपोजिशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल तो अकाउंट रिस से रिलेटेड टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है आपको ठीक है सो थ्योरी क्वेश्चन है न्यूज का कोई भी रिलेशन नहीं है एट ए ट्वेंटी मार्क्स ऑप्शनल है नुमारिकल क्वेश्चन है ठीक है और आपसे पूछा जा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए ठीक है देखिए एट ए बी एंड सी तीनों देखिए एफ का क्वेश्चन आ गया एट बी फिफ्टीन मार्क्स का है ऑप्शनल है थ्योरी क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस द मेजर कंस्टेशन इन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग ऑफ द दम तो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू नॉट स्किप एट सी फिफ्टीन मार्क्स ऑप्शनल एंड थ्योरी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियो तो फिर देखें अकाउंटिंग रेशियो आ गया फिर से ठीक है तो अकाउंटिंग रेशियो लेवरेज कैश फ्लो फंड फ्लो देखोगे ना तो ऐसे धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ठीक है तो सिलेबस जितना है उतना कवर करके जाएंगे नेक्स्ट प्रीवियस ये पेपर 2018 की ओर बढ़ते हैं 5 ए बी सी ठीक है तीनों क्वेश्चन लाइन से कंपलसरी हैं और थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको ठीक है 6 ए ऑप्शनल क्वेश्चन है और रिमार्कल है क्वेश्चन की डिमांड क्या है देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है सिक्स बी एंड सी देखिए आपका एफ का है और ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है और वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आपको पूछा गया है शेयर कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो मार्कल है और न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है 6C फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन है ऑप्शनल है आता है तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं तो स्किप कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑफ अ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म एक्सप्लेन इन ब्रीफ यानी आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी क्योंकि मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ कि एग्जामिनर के सामने ना आप बैठेंगे ना आपका टैलेंट आपने जो लिखा है वो ही सब कुछ होगा तो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस करेंगे उसे सेवन ए ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है और न्यूमारिकल क्वेश्चन है आता है, तो कंपनी तो, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है सेवन बी फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है कंपनी इज कंसरिंग द फॉलोइंग फोर ऑल्टरनेटिव ठीक है तो चार ऑल्टरनेटिव है एबीसीडी एक्सपेक्टेड बी अर्निंग ऑफ इतना आफ्टर एक्सपेंशन ऑप्शनल करेंगे नहीं आता है तो स्किप कर सकते हैं सेवन सी ठीक है रेशियोज के बारे में आपसे पूछा गया है कि आपको डिफाइन करना है और वैल्युएशन बताना है डिफरेंट स्टेट रेशियोज का फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शनल क्वेश्चन है

ऑप्शनल है नुमारिकल देखने को मिल रहा है हमें कि नुमारिकल क्वेश्चन है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ठीक है होल्ड करना चाहिए इक्विटी शेयर या नहीं डिसीजन मेकिंग का पार्ट है ठीक है सो इफ यू नो द आंसर यू कैन डू इट तो अगर हम कॉन्क्लूड करें तो न्यूज से अब तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला और और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी सारे ईयर्स को कवर करने के बाद लास्ट हमारा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस टू ए बी सी तीनों आपके जो है कंपल्सरी uh, क्वेश्चन है और थ्योरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं ठीक है और uh, आपका जो है आंसर राइटिंग क्रिएटिविटी मांगते हैं तीनों पे क्वेश्चन में सिक्स ए ऑप्शनल है आता है तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं तो स्किप कर सकते हैं और अगर आप नोटिस करें तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल का नुमारकल का क्वेश्चन न्यूज से कोई भी रिलेशन नहीं है सिक्स बी ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही केवल पूछ रहा है तो ऑप्शनल है कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे और बेस्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट में केवल एक क्वेश्चन कंपल्सरी है और अगर आप के तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे सिक्स फिफ्टीन मार्क्स और ऑप्शनल है ये क्वेश्चन आता है तो कवर करेंगे थ्योरी क्वेश्चन है नेट इनकम अप्रोच के बारे में पूछा गया है ठीक है सेवन है ऑप्शनल है, है आता है तो अटेम्प्ट करेंगे अदरवाइज यू कैन स्किप हमें देखने को मिल रहा है डिटरमाइन करना है फाइनेंस के बारे में एडिशनल डेप्थ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग ठीक है दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है सेवन बी रेशियोज का क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा

थ्योरी क्वेश्चन है ऑप्शनल है आता है तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं आता है तो स्किप करेंगे सो दो हजार से लेकर के 2013 तक की स्टोरी अलग थी बट 2014 से लेकर 2019 की स्टोरी बदल गई क्वेश्चन नंबर अब हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे विच आई वांट टू कॉन्क्लूड एंड प्रेजेंट इन बिफोर यू की क्वेश्चन नंबर फाइव ये जो कंपल्सरी है ठीक है ये आपका कैरी कर रहा है थ्योरी

कि नुमारिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हर क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन जो कंपलसरी है आपने जब 90 परसेंट सिलेबस पे कमांड कर लिए तो आराम से सिलेक्ट कर सकते हो हमने ये भी ड्रॉ किया कि न्यूज एफएम का पार्ट नहीं है तो न्यूज के लिए टेंशन नहीं लेनी इन केस ऑफ एफएम स्टैटिक पोर्शन को करना है दूसरा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया थ्योरी को अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही नुमारिकल को प्रैक्टिस करेंगे ठीक है उसके बाद केवल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर के सामने जाती है आपकी आंसर कॉपी आपका टैलेंट वो इंटरव्यू नहीं ले रहा कि आपसे पूछा और आपने उसे बोल दिया और आपने रिप्रेजेंट कर दिया वो लेवल आता है आपका इंटरव्यू का बट मेन्स तो क्वालिफाई करना पहले इंपॉर्टेंट होता है तो इंटरप्रिटेशन आपने कॉपी में क्या लिखा है वही सब कुछ होता है तो एग्जीक्यूशन वही तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पॉलिसी बन गई और एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ऐसी पॉलिसी किसी काम की नहीं और बिना पॉलिसी के क्या एग्जीक्यूट करो वो भी किसी काम का नहीं तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जितनी पॉसिबल कर सकते हो लेकिन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑप्शनल आपको रैंक देता है बट केवल ऑप्शनल ही आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है तो आपको बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है एवरी सिंगल डे जीएस पेपर्स को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट देना है इसीलिए ऑप्शनल पेपर को हम कम्प्लीटली प्रिपेयर कराते हैं ताकि वो स्ट्रैटेजीज आप अपने जीएस पेपर में भी काम करें और आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाए यहाँ पे सब कुछ आपको रेडीमेड मिले और आप प्रिपेयर कर लो और आपका जो यहाँ पे टाइम सेव हो वो आप अपने एस पे और अपने अदर जीएस पेपर पे भी करो और फिर से वहां पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग के बाद मेमोराइजेशन के बाद एग्जीक्यूशन करना है तो बहुत ही हार्डवर्क की जरूरत है इसीलिए ऑप्शनल पे हम आपको जो स्ट्रैटेजीज बताते हैं जो भी आपके लिए एग्जीक्यूट करते हैं वो हंड्रेड परसेंट एश्योर्ड है प्रूवन टेक्निक्स हैं तो आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया तो ऑप्शनल के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी और आपके मन में कोई डाउट्स है क्योंकि हर बच्चा यूनिक है सपोज आप किसी जेड क्वेश्चन से फेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं और अगर वो हमें लगेगा कि पब्लिक एट लार्ज और भी स्टूडेंट की क्वेरीज हो सकती है तो हम उसको एक डिफरेंट वीडियोस एक सेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प कर सकें हमसे जितना पॉसिबल हो सकता है हम हर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि केवल ऑप्शनल आपके एग्जाम में नहीं आ रहा आपको कमांड करना है जीएस पे भी इक्वली तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे तो हम एक पोर्शन आपको हेल्प कर रहे हैं और वो हेल्प जेन्यून है हंड्रेड परसेंट है और इस सपोर्ट को आप आराम से ले सकते हैं न्यूज को भी हम आराम से कवर करा रहे हैं आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं बजट में जो चेंजेस आएगा उसको भी लेके कर रख कर सकते हैं तो ऑप्शनल की टेंशन आप हमें दे दें ऑप्शनल की सारी जिम्मेदारी हमें दे दें और उस पर फेत रखें क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं पे जीत है आपने खुद पे भी फेथ रखा तभी ये प्रिपेसन स्टार्ट की आपके फैमिली वालों ने आप पे फेथ रखा तभी आपके साथ इस बड़ी जंग में उतरे हैं तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है कोई क्वेरीज हैं जनरल क्वेरीज हैं आप उसको पूछ सकते हैं कई बार स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल क्वेरीज लेके आते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एन नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं और इंडिविजुअल क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना हमारे लिए इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता इसके लिए हमने फेसबुक हो या अदर सोशल नेटवर्किंग टेलीग्राम में ग्रुप बनाए हैं ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सकें एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर सकें केवल सेल परचेज पर टाइम पर मत वेस्ट की जा करिए नॉलेज शेयर करें और ये जो सपने पर टाइम दे रहे हैं ना उसे पाने की जिद रखें और उसे पाकर ही रहें ऐसी आपकी जो है प्लानिंग होनी चाहिए समय ना बर्बाद करें आपकी ये जो एज है इसमें आपको कुछ कर दिखाना है तो इस टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें ऑप्शनल की जिम्मेदारी हमें दें और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। कोई भी क्वेरी कोई ऐसे जो कॉमन क्वेरीज हैं या कोई क्वेरी आप फेस करें उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस ऐसे ही हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आप सबके सामने लेके भी आते हैं ठीक है सो टेक द मैक्सिमम बेनिफिट और कोई doubt हो, कोई डाउट हो सपोर्ट की नीड हो तो यू जस्ट आस्क आस्कोडिंग आवर पीडीएफ वर्जन ऑल्सो एंड ऑन डिमांड द हार्ड कॉपी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीडीएफ वर्जन ही रिफर uh, कर रहे हैं तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो ही हमने जो है एसेबल कराई है और जो हार्ड कॉपी है वो केवल ऑन डिमांड होंगी इसके लिए आप टीम को अप्रोच कर सकते हैं टीम आपको सपोर्ट कर देगी एंड जो अपनी आपकी जो क्वेरीज हैं टॉपिक से रिलेटेड ठीक है related, वो आपके सामने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें एक दूसरे को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है ठीक है सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी सपोर्ट ऑप्शनल की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया आपकी फैमिली ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया आपके, आपके स्पाउसेज ने ट्रस्ट किया आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया कि आप इसको कर सकते हो आप अचीव कर सकते हो वैसे आप हमारे ऊपर ऑप्शनल के लिए ट्रस्ट करें एंड यू विल डेफिनेटली गेट द हंड्रेड परसेंट दैट्स माई प्रॉमिस सो हार्ड एंड एंड कीप एनर्जेटिक ईच एंड एवरी सिंगल डे जय हिंद जय भारत